नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं आदर्श हिमाचल। रुक करते हैं हिमाचल की कुछ खास खबरों की तरफ। जेओई आईटी की बीते दिन लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया और प्रदेश के कई हिस्सों में इस पेपर के लीक होने की खबर सामने आई, जिस पर आम आदमी पार्टी ने सरकार पर निशाना साधा और पेपर रद्द करने के साथ ही मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग उठाई है। साथ ही सरकार पर प्रदेश के पढ़े लिखे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगाए गए हैं। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गौरव शर्मा ने कहा, भाजपा सरकार प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। बीते दिन जेओई आईटी भर्ती की लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया और इस पेपर लीक हो गया। सुंदरनगर के निजी कॉलेज जहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाया गया, वहाँ से ये पेपर लीक हुआ है। इससे पहले भी पुलिस परीक्षा का पेपर पर भी सवाल उठे हैं। उन्होंने कहा कि सुंदरनगर में यह निजी कॉलेज कौन सा है जहां पर यह सरकार परीक्षा केंद्र बना रही है। सरकार सोचे समझे साजिश के तहत अपने लोगों को लगाना चाहती है, इसलिए यह सेंटर खोला गया है। अभी तक इस कॉलेज को ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया। मांग करती है जो कल जेओ का पेपर जो सुंदरनगर में होना था एक निजी कॉलेज में जो सरकार से एडिड है, वो कल लीक हो गया पेपर देने से पहले ही। निरंतर चार सालों के अंदर चाहे वो पुलिस भर्ती हो, कांस्टेबल भर्ती हो, अन्य परीक्षा हो, संसद का पेपर हो, यूनिवर्सिटी में नियुक्तियों का मामला हो, इसमें बैकडोर एंट्री सरकार कर रही है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, उनके मंत्रियों से जवाब चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो युवा बेरोजगार लोग हैं उनसे छलावा क्यों हो रहा है। जो लोग सुबह से शाम तक लाइब्रेरी में पढ़ने जा रहे हैं, जिनके माता पिता ने अपनी पूरी जीवन की पूंजी उनकी पढ़ाई के लिए लगा दी है, आखिरकार जब पेपर की बारी आती है तो उन्हें क्यों नियुक्तियां नहीं मिलती है, क्यों बैकडोर एंट्रीज की जा रही है, क्यों अपने चहितों को सरकार जो है बैकडोर एंट्री से लगा के नियमित कर रही है। सरकार इस पे जवाब दे, श्वेत पत्र जारी करे। हिमाचल प्रदेश में पिछले 4.5 वर्षों में जो भी नियुक्तियां हुई है उनके पारदर्शिता अगर उन्होंने बरती है तो वो पूरी जनता के समक्ष उसको लाया जाए। बेरोजगारी एक हिमाचल का बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे जो हिमाचल प्रदेश के जो युवा है उनके साथ छलावा हो रहा है, ये सरकार उनके साथ ठगी कर रही है। और जो कल जेओ का पेपर हुआ है, आम आदमी पार्टी मांग करती है कि तुरंत उसको खारिज कर देना चाहिए, उन्हें नष्ट कर देना चाहिए, और जो लोग इसमें संलिप्त थे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पहले भी जितनी भर्तियां हुई हैं, चाहे वो कांस्टेबल भर्ती हो, कंडक्टर भर्ती हो, यूनिवर्सिटी की भर्ती हो, केवल मात्र एक छलावे के लिए वो कह देते हैं कि हमने फलां व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, कर भी उन्होंने 6 गिरफ्तारियां की है। एक बाबू ऐसा षड्यंत्र कर सकता है क्या? क्या उसके साथ टीचर जो कॉलेज के वो सम्मिलित है वो ऐसा कर सकते हैं? आखिरकार इस कॉलेज में बार बार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है? ये कॉलेज किसका है? अगर ऐसी घटनाएं यहां पहले हो चुकी है तो सरकार ने क्यों कड़ा संज्ञान नहीं लिया? क्यों इसको, इस कॉलेज को बार बार वो परीक्षा केंद्र बनाते हैं? क्यों इसे ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया? आखिरकार ये सरकार की सोची समझी साजिश है। जो लोग वो अपने चहितों को लगाना चाहते हैं, अपने नजदीकियों को लगाना चाहते हैं, ये द्वार सिर्फ उनके लिए खोला गया है। और आम आदमी पार्टी मांग करती है कि इस पेपर को जो है निरस्त कर देना चाहिए, और जितनी भर्तियां चाहे विश्वविद्यालय में भर्ती हो, चाहे सारी जगह भर्ती हुई हो, अपने चहितों को जो उन्होंने लगाया है वो एक श्वेत पत्र जारी करे, पूरे प्रदेश की जनता के सामने उसे स्पष्टीकरण दे कि किन लोगों को लगाया गया, क्या उसकी प्रक्रिया, उसकी भर्ती की प्रक्रिया थी। और हम मांग करते हैं, अन्यथा हमें चाहे कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े, अन्य साधनों से भी, हम जो प्लेटफॉर्म हमें मिलेंगे हम सरकार को उस पर घेरेंगे और माननीय मुख्यमंत्री इस भर्ती पर स्पष्टीकरण दे और ये जो जेओ की भर्ती थी उसे तुरंत निरस्त करे। एचआरटीसी कर्मचारी 6वें वेतन आयोग की मांग व अन्य मांगों को लेकर लगातार लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मियों ने आज शिमला में गेट मीटिंग की व सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। परिवहन मजदूर महासंघ ने सरकार को 21 दिन का अल्टीमेट दिया है, अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो शिमला में महाधरना किया जाएगा। परिवहन मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय मंत्री सुभाष वर्मा ने बताया कि सभी विभागों को 6वें वेतन आयोग का लाभ मिलना शुरू हो गया है, लेकिन एचआरटीसी कर्मी अभी भी इससे वंचित है। चालकों परिचालकों का 28 माह का रात्रि भत्ता जारी किया जाए, परिचालकों को 3200 ग्रेड पे जारी किया जाए, आउटसोर्स कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी की बसें काफी खस्ता हाल में चलाई जा रही हैं, जिससे जनता की जान खतरे में रहती है। उन्होंने भी कहा कि एचआरटीसी के बड़े में 100 नई बसों के शामिल करने की मांग की है। अगर सरकार इन मांगों को नहीं मानती है तो धरने के साथ कर्मी एक दिन की हड़ताल पर जाएंगे, क्योंकि हर विभाग को जो है 6ठा वेतन आयोग लग गया है, चालू हो गया है, परंतु परिवहन निगम एक ऐसा विभाग है, इस पर अभी तक इसकी कार्यवाही, इसको लागू नहीं किया गया है। हम परिवहन मंत्री से, मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इस विभाग में भी इसको शीघ्र लागू किया जाए। हमारी डिमांड्स है कि जो हमारा पिछला वेतन आयोग था उसमें विसंगतियाँ हो गई थी, वेतन विसंगतियाँ, तो उन वेतन विसंगतियों को समाप्त किया जाए। नाइट ओवर टाइम जो है हमारा 28 माह का हो गया है चालकों प्रचालकों का, कि चालक प्रचालक जो इसको अपनी जेब से खर्चते हैं, उसके बाद जो इसका वहन जो है सरकार करती है, निगम करता है, तो 28 माह का हमारा अतिरिक्त भत्ता और रात्रि भत्ता हो गया है। उसके उपरांत जो है हमारे जो
नियमित होने थे 2 वर्ष के बाद, अभी वो भी नहीं हो पाए हैं, उनको भी नियमित किया जाए। और परिचालकों का ग्रेड पे जो है जो 3200 करना था वो भी नहीं कर पाए हैं, और जो चालकों का 9810 का हमारा वेतनमान है उस पर जो है कोर्ट का स्टे लगा हुआ है। हम चाहते हैं कि 9880 से चालकों को नियमित किया जाए ताकि उनकी जो वेतन विसंगति वो भी दूर हो जाए। और हमारे पास जो बासर बॉय हैं वो बरसों से हमारे पास काम कर रहे हैं, परंतु उनकी कोई नीति नहीं है, उनको कोई पदोन्नति का कोई साधन नहीं है, तो उनको भी पदोन्नत किया जाए। हमारे आज जो बसें हैं 5 वर्ष से, लगभग 5 वर्ष से कोई भी बस नहीं आई है, बसों का बुरा हाल है। और हमारी जो अपनी जान तो खतरे में, परंतु प्रदेश की जनता की जान भी इसमें खतरे में रहती है। तो हमारी ये भी मांग रहे कि परिवहन निगम जो है इसमें 1000 नई बसें जो है परिवहन के बेड़े में शामिल किया जाए। टाइम बाउंड दे रहे आप सरकार? हमारा 21 दिन का जो टाइम बाउंड हमने नोटिस सरकार को दिया है, परिवहन निगम को दिया है, अगर हमारी मांगों पे नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया गया, हमारे वार्ता नहीं की गई और उनको हल नहीं किया गया, तो हम 21 दिन के बाद जो मुख्य कार्यालय पर यहाँ बहुत बड़ा धरना, एक पूरा विशाल धरना पूरे हिमाचल प्रदेश का करेंगे। अगर उसके उपरांत भी सरकार नहीं मानती है तो हमारा जो 1 दिन का जो है, हमारी जो बसें हैं 1 दिन का जो हमारा चलन है, हम 1 दिन के स्ट्राइक में भी जा सकते हैं, ये हमारा अंतिम निर्णय भी हो सकता है। लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर प्रदेश महिला कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि 2014 में रसोई गैस की कीमतें 450 रुपए भाजपा को महंगा लगता था, लेकिन आज 1000 सस्ता लग रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ साथ खाद्य तेल की कीमतें आम आदमी तक पहुँच से बाहर हो गयी है, महिलाओं का रसोई चलाना मुश्किल हो गया है। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनम चंदेल ने शिमला में बताया कि महंगाई आसमान छू रही है, खाने पीने की चीजों के अलावा कपड़े जूते रोजमर्रा की हर चीज महंगी हो रही है, बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ रहा है, भूखमरी में देश बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी पीछे चल रहा है, केंद्र व प्रदेश सरकार का महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं है, आम आदमी का घर चलाना मुश्किल हो गया है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब 450 रुपए का सिलेंडर था वो महंगा था, तो आज 1052 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, क्या वो सस्ता है? जो आपने बातें लोगों से कही, लोग लुभावन नारे देकर जो आपने जनता को गुमराह किया और जनता आपकी बातों में आकर आपको वोट दिया, इसी आस में लोगों ने वोट दी थी कि महंगाई कम होगी। आप सरसों का तेल देखिए, 80 रुपए 85 रुपए लीटर था, आज 240 रुपए है। और पेट्रोल डीजल अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जब यूपीए सरकार थी उनके दाम आसमान को छू रहे थे, लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने कभी भी 74 रुपए से ऊपर पेट्रोल और डीजल के दामों को नहीं होने दिया। आज आप देख रहे हैं कि 107 108 रुपए पार हो गया है। दालों के दाम देख लीजिए आप कोई भी ऐसी चीज़ इस सरकार में नहीं दे सकते हैं जो जनता की पहुँच में हो, चाहे वो दालें हो, आटा हो, सब्जियां हो, जूते हो। इन्होंने कहा था कि हम लोग जो गरीब लोग हैं उनको, हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज का सफ़र करवाएंगे, लेकिन कितने दुख की बात है कि आज हवाई जहाज में सफ़र करना तो दूर की बात है, खाने पीने की चीज़ें सारी इतनी महंगी, सब्जियां महंगी, चप्पल महंगी, कपड़े महंगे, जो चप्पल है हवाई चप्पल वो भी आपने छीन ली। तो मुझे तो ये लगता है ये सरकार जो है जनता के जितने भी मामले हैं उनसे इनको कोई भी सरोकार नहीं है। दिनों दिन हर रोज़ आप देख रहे होंगे कि खाने पीने की चीज़ों के दाम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, और मजाल है कि ये जो सरकार है महंगाई के मुद्दे पे एक शब्द भी बोल रही है। और जहाँ तक महिलाओं की बात है, बिल्कुल सही बात है, सबसे ज़्यादा अगर महंगाई का बोझ पड़ता है तो महिलाओं और बच्चों पर पड़ता है। आज हमारे देश की क्या हालत है, कुपोषण में हम लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी पीछे हो गए, भुखमरी में कितने दुख की बात है। एक तरफ तो कहते हैं कि भारत जो है शिखर पर है, और दूसरी तरफ अगर आप सच्चाई देखेंगे तो हमारे देश की हालत ये है कि हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी पीछे छूट गए हैं। जिला मंडी के सुंदरनगर में रविवार के दिन
MLSM कॉलेज सुंदरनगर में JOA की स्क्रीनिंग परीक्षा में नकल मारने का मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने 2 अभ्यर्थियों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने 10 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि इस मामले में जिन 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो आपस में रिश्तेदार तथा जान पहचान वाले बताए जा रहे हैं। सभी आरोपी जिला मंडी के बहल, सुंदरनगर, धर्मपुर तथा सरका घाट के रहने वाले हैं। अभी तक पुलिस के जांच के अनुसार सारे प्रकरण के पीछे एक निजी स्कूल में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर व क्लर्क ने मुख्य भूमिका निभाई है। इस मामले को लेकर सोमवार के दिन पुलिस अधीक्षक मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि इस दौरान किसी भी तरह का मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि पहले आरोपियों ने सिटिंग प्लान को लीक किया, रोल नंबर शुरू होने का पता लगाया और उसके बाद आरोपियों ने सीरीज का अंदाजा लगाया और प्रश्न पत्र को परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले फोन के माध्यम से लीक कर दिया। अभी जो फिलहाल की इन्वेस्टिगेशन है उसमें कुछ चीजें जो स्पष्ट तौर पर हमें समझ में आई है वो ये है कि राकेश और अनित जो 2 कैंडिडेट्स थे उनके पास क्वेश्चन पेपर एग्जाम शुरू होने से पहले ही अवेलेबल था और उसको जो है गोपाल नाम के व्यक्ति ने स्पेसिफिकली राकेश के ही फ़ोन पे भेजा था। वहाँ से ये क्वेश्चन पेपर के आंसर्स गूगल सर्च और अन्य चीटिंग के माध्यमों से इन्होंने अपनी एक चीट शीट तैयार की जिसको एग्जामिनेशन के अंदर यूज़ किया गया। इसमें अभी तक जो लोग इन्वॉल्व पाए गए हैं वो सारे मंडी ज़िला के ही ये लोग हैं, बल, सुंदरनगर, सरका घाट और धर्मपुर के रहने वाले। पुलिस के सीजर्स में जैसे मैंने कहा 10 मोबाइल फ़ोन अभी हम अंडर इन्वेस्टिगेशन है। एक शीट जो जिसमें क्वेश्चन वाइज आंसर के ऑप्शंस मार्क्ड थे वो रिकवर की गई है। OMR शीट जो चीटिंग करके भरी गई थी वो भी मार्क की गई है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है। आज इन सभी आरोपितों को हम कोर्ट में पेश करेंगे और फर्दर पुलिस रिमांड लेंगे ताकि और जो इसके इस मैटर के पहलू हैं उनको हम करीब 10 मोबाइल फ़ोन जो हैं वो पुलिस के सीजर में हैं जिसपे हम सर्च कर रहे हैं और जिसपे हम इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक इस पूरे मैटर में 7 लोग अरेस्ट हो चुके हैं जिसमें गोपाल जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन अभिलाषी कॉलेज ऑफ एजुकेशन नेरचौक में पोस्टेड है, राकेश जो कि क्लर्क अभिलाषी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नेरचौक में पोस्टेड है और साथ में इस एग्ज़ाम में वो चीटिंग करता हुआ कैंडिडेट था और उसको ही पकड़ा गया था, विक्की जिसे संजीव के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने क्वेश्चन पेपर के आंसर्स को ट्रैक करने में और आंसर शीट भरने में हेल्प करी थी, विक्की, विवेक जो हैं ये बग्गी के रहने वाले, इन्होंने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया और इसके बाद चीट शीट में जो है ऑप्शंस भरी, जोगिंदर जो चीट शीट को धनोटू से लेके MLSM कॉलेज तक जिसने पहुँचाया और बलवंत को हैंड ओवर किया, बलवंत जो क्लर्क है MLSM कॉलेज में जिसने अंदर इस शीट को पहुंचाया और साथ में राकेश को हैंड ओवर किया। इसके साथ अनित ठाकुर जो कि एक कैंडिडेट है, राकेश का साथी है, जिसने भी एग्जामिनेशन जो है महावीर स्कूल में सुंदरनगर में उस दिन दिया है एग्ज़ाम और इसे भी जो क्वेश्चन पेपर राकेश से शेयर हुआ था वही क्वेश्चन पेपर इसने राकेश के ही फ़ोन पर इसने देखा था और वहाँ से कुछ आंसर्स इसने गूगल सर्च के माध्यम से सर्च किए थे।